तमाम लोग तो दलित विरोधी, मुसलमान विरोधी, आदिवासी विरोधी, पिछड़ा विरोधी, मजदूर विरोधी और किसान विरोधी सरकार के खिलाफ आज देश के तमाम राज्यों से यहाँ इकट्ठा है। मैं आप तमाम लोगों को क्रांतिकारी इस्तकबाल करता हूँ, क्रांतिकारी जय भीम करता हूँ, क्रांतिकारी सलाम करता हूँ। मैं सलाम पेश करता हूँ साथी चंद्रशेखर आज़ाद रावण को, मैं सलाम पेश करता हूँ साथी अखिल गोगोई को, मैं सलाम पेश करता हूँ उन तमाम दलित गाँव वाले हैं तो इतना भगवा आतंक के बाद भी अपनी इंसाफ की आवाज़ को पुरजोर करे हुए बैठे हैं। मैं उन तमाम लोगों को सलाम करता हूँ। मैं सलाम करता हूँ असम की उन संघर्षशील जनता को जो आज साथी अखिल गोगोई पे 38-40 केस लगाने के बावजूद जो उनको आतंकित करने की कोशिश करी गई है उसके बावजूद वो अपनी लड़ाई दिल्ली में लेकर आए, मेरा आपको सलाम। और आखिरी में सलाम करता हूँ उन तमाम दलित महिलाओं को जो पिछले कुछ दिनों में सहारनपुर के अंदर वहाँ साथी चंद्रशेखर की रिहाई के लिए और उन दलितों के जिनके घर जलाए गए उनके इंसाफ की मांग को लेकर पिछले दिन भूख हड़ताल में बैठी, मैं उन तमाम लोगों को वहाँ सलाम करता हूँ। साथियों, आज भाषण देने का वक्त नहीं है, मैं एक दो छोटे पॉइंट यहाँ आपके सामने रखना चाहूँगा। साथी चंद्रशेखर पे हमला, साथी चंद्रशेखर पे रासुका लगाना और पिछले 6 महीने से जेल में उनको बंद करके रखना, ये सिर्फ एक व्यक्ति पे हमला नहीं है, ये उन तमाम पूरे दलित समुदाय पे हमला है जो आज एक इज्जत की जिंदगी जीना चाहता है। ये तमाम सिर्फ दलितों पे नहीं, उन अल्पसंख्यकों पे, उन आदिवासियों पे, उन पिछड़ों पे, उन किसानों पे, उन मजदूरों पे और उन तमाम इंसाफ पसंद लोगों पे जो आज इंसाफ की आवाज़ को उठाना चाहता है, उन तमाम लोगों पे आज ये हमला है, ये एक व्यक्ति की हमला नहीं है। आज हम लोगों को एक बात को समझना पड़ेगा, अगर आज साथी चंद्रशेखर जेल के अंदर हैं, अगर इस लड़ाई को हमको कमज़ोर होने दिया तो हम में से कोई भी लोग जो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहता है आज हम लोगों पर भी रासुका लगाया जा सकता है। मुझे समझ में नहीं आता साथी चंद्रशेखर जिनको फर्जी केस लगाए गए, अलग अलग केस उन पर लगाए गए, उनको बेल मिलती है और बेल मिलने के 24 घंटे से कम में उन पर रासुका लगा के बंद कर दिया जाता है। रासुका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, देश के लिए खतरा। मुझे समझ में नहीं आता कि साथी चंद्रशेखर इस देश के लिए खतरा कैसे हैं। मुझे समझ में नहीं आता कि वो तमाम लोग जो इज्जत की ज़िंदगी जीना चाहते हैं, जो इन संघी आतंकियों के खिलाफ संगठित हो रहे हैं, वो इस देश के लिए खतरा कैसे हैं। और वो संघी आतंकी, वो योगी आदित्यनाथ, वो मोदी का शासन, वो संगीत सोम जो यूपी में सांसद हैं, वो इस देश के लिए खतरा क्यों नहीं है। इस देश की जो परिभाषा को रिडिफाइन किया जा रहा है, साथी चंद्रशेखर देश की सुरक्षा के लिए खतरा नहीं है, साथी चंद्रशेखर ब्राह्मणवाद के लिए खतरा है, साथी चंद्रशेखर आरएसएस के लिए खतरा है, साथी चंद्रशेखर उस हिंदुत्व की राजनीति के लिए खतरा है, आज इसीलिए उसको जेल के अंदर बंद किया गया।